सो हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज क्यों काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले है, क्योंकि आज हम दो सुपर हीरोज के बीच में एक शोडाउन करने वाले हैं। तो पहला है यार एकांश और दूसरा है नागराज। अगर तुम नागराज को नहीं जानते तो मैं इसके बारे में बता दूंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सो लेट्स बिगिन बॉयज। सो गाइस, पहले से हम इन दोनों हीरोज की पावर्स, एबिलिटीज और वीकनेस के बारे में जानेंगे और लास्ट में हम ये डिसाइड करेंगे कि अगर फ्यूचर में इन दोनों में कभी फाइट होती है तो इनमें से कौन विनर होगा। तो तुम्हारा वीडियो को शुरू करते हैं। तो कैसे स्टार्टिंग करेंगे एकांश से। एकांश की पावर्स, एबिलिटीज और कुछ बैक स्टोरी के बारे में बताऊंगा। तो पहले स्टार्टिंग करेंगे एकांश से। एकांश की बैक स्टोरी की बात करूं तो एकांश के पास एक मड़ी है जो कि इसे नागराज से मिली थी। पहले ये मड़ी काफी लोगों को दी जा रही थी, पर एकांश का मन और इसकी शक्तियों को देखकर इसको ये मड़ी दी गई। और इसकी मड़ी इसके हैंड के अंदर है, और ये जो स्नेक्स हैं ये बिल्कुल रोबोटिक हैं, ये इसने खुद ही बनाया है। और ये एकांश काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ज़्यादा कूल लड़का है, और मुझे इसका एकदम आर्ट स्टाइल काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और गाइस, इसके बेल्ट पे जो 6 स्नेक हैं वो इसके खुद के कंट्रोल में होते हैं, वो अपने कंट्रोल में नहीं होते, क्योंकि वो एक रोबोटिक स्नेक हैं और वो इसने खुद ने बनाए हैं, तो यार वो इसके कंट्रोल में होते हैं। और एकांश अपनी मड़ी से दूर से ही खतरे को देख लेता है। तो गाइस, एकांश की वीकनेस की बात करूं तो यार एकांश की सबसे बड़ी वीकनेस है, अगर उसके पास उसकी मड़ी नहीं हुई तो वो एकदम सिंपल लड़का है। उसकी मड़ी की उसमें शक्ति है, वैसे एकांश एकदम फाइटिंग भी कर लेता है, पर एकांश बिना मड़ी के कुछ भी नहीं है। और एकांश एक 7 साल का लड़का है और वो एक स्कूल बॉय है। तो गाइस, ये तो हो गई एकांश की पावर्स, एबिलिटीज और वीकनेस। एकांश एक न्यू शो है जो कि कार्टून नेटवर्क का आता है। इसकी आर्ट स्टाइल मुझे यार काफी ज्यादा ऑसम लगी, और ये कार्टून नेटवर्क पर आता है। मैंने इसके 2 एपिसोड देखे, मुझे काफी अच्छी लगी, और इसकी जो एनिमेशन है वो एकदम बढ़िया की गई है। और ये बच्चों के लिए बताया गया है कि ये सिर्फ किड्स के लिए है और काफी ऑसम शो है। तो अब बात कर लेते हैं नागराज के बारे में, फिर देखेंगे लास्ट में कौन जीत। और गाइस, मैं तुम्हें इस शो को सजेस्ट करूंगा कि इस शो को तुम देखो, क्योंकि ये शो एकदम यार बेस्ट है। और ये शाम को कार्टून नेटवर्क आता है। अगर तुम कार्टून नेटवर्क का सब्सक्रिप्शन है तो यार शो को जरूर देखना, एकदम बेस्ट शो है। और मुझे बताना तुम इसको पहले से देखते हो क्या, क्योंकि अभी से 1 मंथ ही हुआ है आते हुए। इसकी स्टोरी लाइन भी बेस्ट है, उसके कैरेक्टर डिजाइन भी एकदम बेस्ट है, मुझे काफी अच्छा लगा। तो अब बात कर लेते हैं नागराज के बारे में। सो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं हमारे सेकंड सुपर हीरो के बारे में। तो इसका नाम है नागराज, ये एक 90s शो है और ये राजबुक कॉमिक्स से है। तो यार नागराज की स्टोरी काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, तो मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा इसकी ओरिजिन के लिए। और हमारा प्यारा नागराज कॉमिक से लेके एनिमेटेड सीरीज में भी आ चुका है, तो यार लोग इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, अब तक इसको लोग देखते हैं। तुमने भी शायद देखा होगा, तो मुझे कमेंट में जरूर बता देना। सो गाइस, नागराज की बैक स्टोरी के बारे में बात करूं तो नागराज यार एक बच्चा था जिसको एक नदी में बहा दिया जाता है। इसके पापा एक राजा होते हैं और इसकी माँ एक रानी होती है। तो इसकी वीडियो वैसे तो मैं लाऊंगा ही, पर मैं तुम्हें शॉर्ट में बता देता हूँ कि नागराज पहले को नदी में बहा देते हैं, फिर एक हिमालय के पास जाकर इसको एक मणि मिलती है, फिर ये उस दिन से ही एक नागराज बन जाता है, उसके पास नागों की शक्ति आ जाती है। सो गाइस, ये तो हो गई बैक स्टोरी अब नागराज के बारे में। तो यार नागराज की पावर्स और एबिलिटीज की बात करूं तो यार इसके पास भी एक मणि है, जब तो इसको लोग एकांश का कॉफी मानते हैं। तो यार एकांश काफी हीरोज से इंस्पायर्ड है, इसीलिए मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि एकांश कॉफी है या इंस्पायर्ड। तो उसको तुम जरूर बताना मुझे कमेंट में कि मैं वीडियो बनाऊं कि नहीं। तो एकांश वो नागराज की बात करूं तो नागराज के पास भी एक मणि है जो कि एक नागमणि है, जो इसको नागराज से ही मिली थी, तो इसका नाम उसी समय नागराज कर दिया गया था। नागराज की पावर्स की बात करूं तो इसके पास काफी स्नेक्स हैं, इसके पास इतने स्नेक्स हैं कि इसको खुद का अंदाजा नहीं कि इसके पास कितने स्नेक हैं। और यार इसकी वीकनेस तो ये है कि इसके स्नेक काफी सभी स्नेक इसके जिंदा हैं, वो इसके कंट्रोल में नहीं होते, पर इसको कंट्रोल कर लेता है। अगर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं तो वो इस पर ही अटैक कर देते हैं। यार इसकी सबसे बड़ी वीकनेस यही हो जाती है। और वैसे तो नागराज काफी ज्यादा पावरफुल है और उसके पास काफी स्नेक्स हैं, उसकी पावर्स और एबिलिटीज तो काफी ज्यादा ही हैं, और इसका बॉडी भी काफी अच्छी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के एंड में अब बात कर लेता हूँ दोनों के बैटल के बारे में। अगर इन दोनों में फ्यूचर में कोई फाइट होती है नागराज और एकांश के बारे में, तो यार इन दोनों में से मेरे शायद एकांश ही में फाइट में बिना, क्योंकि गाइस एकांश के पास भी स्नेक्स हैं और नागराज के पास भी स्नेक हैं। तो यार वैसे तो एकांश के पास 6 स्नेक्स हैं और नागराज के पास काफी ज्यादा स्नेक्स हैं, पर हाँ एकांश के जितने भी स्नेक्स हैं वो उसके कंट्रोल में होते हैं। अगर नागराज के स्नेक उसके कंट्रोल में नहीं हुए और वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो वो नागराज पर ही अटैक कर देंगे, क्योंकि वो जीवित हैं और ये रोबोटिक हैं। तो वैसे तो एकांश इस फाइट का विनर हो सकता है और नागराज भी, पर तुम अपना ओपिनियन कमेंट में देना कि इस फाइट में कौन विनर हो सकता है। और गाइस, एकांश काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और उसके फादर भी काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है, इसीलिए शायद मेरे हिसाब से इस फाइट का विनर एकांश ही होगा। और एकांश काफी ज्यादा इन्वेंशन भी करता रहता है। तो गाइस, इस फाइट का विनर तुम अपना कमेंट में ओपिनियन तुम अपना देना। मेरे हिसाब से तो एकांश इस फाइट का विनर भी हो सकता है। वैसे तो नागराज भी जीत सकता था, पर एकांश यार एकदम मॉडर्न क्वालिटी एनिमे है, तो यार एकांश ही इस फाइट का विनर होगा। तो वैसे तो तुम अपना ओपिनियन कमेंट में दे देना। तो आज की वीडियो को बस इतना ही, मैं मिलता हूँ तुम्हें ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, मैंने वीडियो में तुम्हारे लिए एकांश का फुल थीम सॉन्ग डाल दिया, तो उसको जरूर सुनकर जाना। तो चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।
तो सांस है, सिर्फ एक चांस है, खतरा कोई आए तो अपना एक काम है, जान है तो सांस है, सिर्फ एक चांस है, खतरा कोई आए तो अपना एक काम। वो राजा है, सांपों का, सांपों का दोस्त है सबका, शत्रु पापों का, एक कांस है, अपना एक कांस है, कांस है, जान है तो सांस है।